बार फिर से मैं यूज कार का वीडियो लेके आप लोगों के बीच आ चुका हूँ दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार पहुँच चुका हूँ नगरी और दोस्तों अभी यहाँ सारा न्यू कलेक्शन आया हुआ है और बहुत ही सारी डिमांडेबल गाड़ी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ST500 मिल जाएगी आप लोगों को, बोलेरो मिल जाएगी, स्कॉर्पियो मिल जाएगी, रेजा मिल जाएगी और भी बहुत सारा कलेक्शन है दोस्तों। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए तो डिटेल मैं ही दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर पहली गाड़ी हम लोग की ST500 है, रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, 2013 की है, फास्ट ओनर है। देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन, ओरिजिनल पेंट मिल जाएगी आप लोगों को, देख लो इस प्रकार से कंडीशन है दोस्तों गाड़ी की, वेल कंडीशन है, 2013 मॉडल, फर्स्ट ओनर है। बाकी देख लो टायर वगैरह कंडीशन में मिल जाएगी, अलॉय व्हील वगैरह देख लो मिल जाएगी अलॉय व्हील के साथ। और ये देखो इंटीरियर इस प्रकार लाजवाब इंटीरियर के साथ मिल रही है दोस्तों, देख सकते हो चारों पावर विंडो वगैरह सारा कुछ है, एयर बैग के साथ है ये, देख लो एयर बैग भी मिल जाएगी इसमें। सीट की कंडीशन देख लो इस प्रकार से लाजवाब सीट की कंडीशन है, मैट वैट सारा कुछ लगा हुआ है। डैशबोर्ड की कंडीशन देख सकते हो नीट एंड क्लीन है, देख सकते हो गाड़ी का बैक प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है, जो काफी मेंटेन गाड़ी है और डिमांड में रहती है दोस्तों। कि अभी इस ST500 की कीमत पे आते हैं दोस्तों, 2013 की फर्स्ट ओनर, और प्राइस की बात करें दोस्तों तो 5,30,000 है, जो कि थोड़ा बहुत बैठोगे तो नेगोशिएट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर चलते हैं हम लोग, डिमांडेबल है बोलेरो, 2019 की है, देख सकते हो ये भी फर्स्ट ओनर है, वेल कंडीशन है, देखो फोग लैंप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। बाकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी की, देख लो इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी। बाकी टायर दिखाता हूँ अभी आप लोगों को दोस्तों, ये देखो टायर कंडीशन, सब टायर मिल जाएगी, चारों टायर कंडीशन में आप लोगों को। ठीक है, बैक प्रोफाइल इस प्रकार से है। तो इंटीरियर में चलते हैं हम लोग, तो इस प्रकार लाजवाब इंटीरियर के साथ मिल जाएगी, देख लो यहाँ पे कंडीशन में है, देख सकते हो ये बिल्कुल कंडीशन में कार है। बाकी मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है, डैशबोर्ड की कंडीशन देख लो इस प्रकार से है, सीट की कंडीशन देख लो, रूफ की कंडीशन दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, नीट एंड क्लीन साफ सुथरी गाड़ी है दोस्तों, 2019 की फर्स्ट ओनर है बोलेरो। और कीमत की बात करें ना भाई, तो 7,30,000 इसकी प्राइस है, जो कि बैठोगे ऑन द टेबल तो नेगोशिएट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग, हम लोगों की बोलेरो ही है, देख सकते हो यहाँ पे 2014 की है ये, और ये भी फर्स्ट ओनर है, देख सकते हो कंडीशन में है, और किलोमीटर ये चली हुई है आपको 93,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि ओरिजिनल चली हुई है। बाकी टायर की कंडीशन दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ये देखो टायर, चारों टायर न्यू मिल जाएंगे आप लोगों को। साइड प्रोफाइल गाड़ी का देख लो इस प्रकार से है, कि MT DUI इंजन के साथ है, बोलेरो का SLX है दोस्तों ये गाड़ी का। बैक प्रोफाइल इस प्रकार से मिल जाएगी, कंडीशन में सब गाड़ी है, यहाँ एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलती है दोस्तों, साफ सुथरी गाड़ी मिलेगी आप लोगों को। ये देख लो, देखो 2014 की है, फर्स्ट ओनर है, 93,000 चली हुई है, और कीमत की बात करें तो 4,80,000 इसकी प्राइस है दोस्तों। तो चलिए तो नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं हम लोग, कार भी काफी डिमांड में रहती है, ब्रेजा है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, 2019 की फर्स्ट ओनर, 48,000 चली हुई है ये, और ये डीजल में है दोस्तों, ब्रेजा VDI है, डीजल में है ये, देख सकते हो रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी आप लोगों को। और मात्र 48,000 चली हुई है ये, आपको इंटीरियर दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, इंटीरियर देख लो कुछ इस प्रकार से इंटीरियर मिल जाएगी, एयर बैग मिल जाएगी इसमें दो आप लोगों को, दो एयर बैग फ्रंट में मिल जाएगी। बाकी सीट की कंडीशन देख लो इस प्रकार से है, मैट वेट लगाई हुआ है, डैशबोर्ड की कंडीशन देख लो नीट एंड क्लीन है दोस्तों, बाकी रूफ की कंडीशन देख ही सकते हो आप लोग, टायर देख लो आप लोग, तो गाड़ी का बैक प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। तो देखो 2019 की है ये,
फर्स्ट ओनर 48,000 चली हुई है, ब्रेजा VDI है। और कीमत पे आते हैं दोस्तों अब तो 7,20,000 इसकी प्राइस है जो कि नेगोशिएबल है। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। तो लाल परी बलेनो देख लो, ये है आप 2018 की है, ये सेकेंड ओनर होगी दोस्तों, मतलब जो लेंगे खड़ हो जाएंगे, बाकी गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, वेल कंडीशन में मिल जाएगी। ये सिर्फ 2020 की है, फर्स्ट ओनर 45,000 चली हुई है और ये पेट्रोल में है, स्विफ्ट VXI है दोस्तों, देख सकते हो। और ये टॉप मॉडल है बलेनो का, RS टॉप मॉडल है ये, 53,000 चली हुई है ये, बाकी डिस्क मिल जाएगी स्लो, साइड प्रोफाइल इस प्रकार से साइड प्रोफाइल। और चलिए इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को बलेनो की, डिस्क के साथ मिल जाएगी इसमें, एकदम लाजवाब इंटीरियर जो बोलते हैं ना भाई, एकदम कंडीशन वाली कार एकदम बिल्कुल यहाँ मिलेगी, देख सकते हो सीट एकदम वेल कंडीशन लगी हुई है, डैशबोर्ड देख लो, एयर बैग मिल जाएगी आप लोगों को फ्रंट में, टच स्क्रीन वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, रूफ की कंडीशन देख लो नीट एंड क्लीन है। तो बैक प्रोफाइल इस प्रकार से है। आते हैं हम लोग इस बलेनो की कीमत पे दोस्तों, 2018 की है, सेकेंड ओनर है ये, 53,000 चली हुई है दोस्तों, बलेनो टॉप मॉडल है ये RS। और कीमत की बात करें तो 5,00,000 इसकी प्राइस है जो कि थोड़ा बहुत बैठोगे तो नेगोशिएट हो ही जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। अगली कार हम लोग की स्विफ्ट है VXI 2020 की, फर्स्ट ओनर देख सकते हो कंडीशन, रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी आप लोगों को। और किलोमीटर की बात करें तो ये चली हुई है आप लोगों की 45,000 दोस्तों, बाकी देख लो कंडीशन किस प्रकार से, फोकलब वगैरह क्रोम वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, टायर वगैरह देख सकते हो कंडीशन में ही है, सारा कुछ लगा हुआ है क्रोम वगैरह, साइड प्रोफाइल देख सकते हो गाड़ी की, तो इसमें भी चारों पावर विंडो के साथ सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, देख सकते हो इस प्रकार से कंडीशन है, देख सकते हो यहाँ पे एयर बैग मिल जाएगी, डैशबोर्ड इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी, लेदर की फर्स्ट क्लास सीट कवर मिल जाएगी आप लोगों को, कंडीशन में लगी हुई है, मैट वैट सारा कुछ लगा हुआ है, देख सकते हो कंडीशन में कार है ये। तो ये है स्विफ्ट VXI दोस्तों 2020 की, फर्स्ट ओनर 45,000 किलोमीटर चली हुई है ये। और कीमत की बात करें भाई तो ये 5,80,000 इसकी प्राइस है जो कि थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। जो कार दिखाने जा रहा हूँ ना भाई वो भी काफ़ी डिमांड में रहती है, स्कॉर्पियो S11 2018 की देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, फर्स्ट ओनर है ये भी और 84,000 किलोमीटर चली हुई है, रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, देख सकते हो कंडीशन इस प्रकार से है। तो देख सकते हो टायर की कंडीशन में मिल जाएगी, टेमोक इंजन में ये है। इंटीरियर की ओर चलते हैं हम लोग, देख सकते हो लाजवाब इंटीरियर है, एयर बैग के साथ है दोस्तों ये, इसमें एयर बैग वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, देख लो टावल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है सीट में, कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं है, देख सकते हो इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी। तो देखिए लो आप लोग कंडीशन मिलेगी। तो बातें हैं इसकी कीमत पे दोस्तों, तो स्कॉर्पियो S11 2018 की, फर्स्ट ओनर 84,000 चली हुई। और कीमत की बात करें भाई तो 12,80,000 इसकी प्राइस है जो कि नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। और ऑल्टो 800 दिखाने जा रहा हूँ, देख लो छोटी फैमिली के लिए एक नंबर कार है दोस्तों ये। और बहुत भाइयों का कमेंट आता है कि ऑल्टो की वीडियो लाइए, ऑल्टो 800 2017 की है, सेकेंड ओनर है, 50,000 समथिंग चली हुई है ये, देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, देख सकते हो टायर वगैरह कंडीशन इस प्रकार से मिल जाएगी, क्लियर आप लोग, डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, सीट की कंडीशन देख लो, AC सब चिल्ड है दोस्तों इसमें, बैक प्रोफाइल आप लोग। तो ये 2017 की है दोस्तों, ऑल्टो 800 सेकेंड ओनर, 50,000 चली हुई। और कीमत की बात करें तो 2,35,000 इसकी प्राइस है जो कि नेगोशिएबल है। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। तो भी काफ़ी फैमिली वाली कार वेगन आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग कंडीशन में मिल जाएगी कार, देख सकते हो 2021 की है ये, देख लो। चलिए इंटीरियर दिखाता हूँ इस कार को, इंटीरियर इस प्रकार से मिल जाएगी,
कंडीशन देख लो, सब चारों टायर न्यू मिल जाएगी आप लोगों को। तो 2021 की है, 98,000 चली हुई है दोस्तों, और कीमत की बात करें तो 5 लाख इसकी प्राइस है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। हम लोग की बोलेरो है, देख सकते हो यहाँ पे, 2016 की है ये, फर्स्ट ओनर है और 1 लाख समथिंग चली हुई है दोस्तों। ये देख लो इस प्रकार से कंडीशन है। बाकी टायर की कंडीशन दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ये देख सकते हो टायर की कंडीशन। बाकी साइड प्रोफाइल देख लो, इस प्रकार से मिल जाएगी, मैट वेट सारा कुछ लगा, और सीट की कंडीशन देख ही सकते हो, लाजवाब है, साफ सुथरी कार है दोस्तों ये। ये देखो गाड़ी का बैक प्रोफाइल इस प्रकार से है, देख लो। अब आते हैं इसकी कीमत पे दोस्तों, 2016 की है, फर्स्ट ओनर है, 1 लाख समथिंग चली हुई है, और कीमत है 5,90,000 इसकी प्राइस है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। अगली कार भी दिखाने जा रहा हूँ, न्यू सेंट्रो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, देख सकते हो 2019 की, फर्स्ट ओनर, 63,000 चली हुई है ये, देख सकते हो ये कंडीशन इस प्रकार से है। दिखाता हूँ टायर वगैरह देख ही लो आप लोग, टीवीआर कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। तो 2019 की है ये, फर्स्ट ओनर, 63,000 चली हुई, और कीमत पे आते हैं तो 3,80,000 इसकी प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए ओमनी है ये, 2018 की, फर्स्ट ओनर, और चली हुई 57,000 समथिंग, ये काफ़ी डिमांड में रहती है दोस्तों, ये जल्दी मिलती नहीं है, और ये नगड़ी मोटर में मिलेगी आप लोगों को। देख सकते हो 2018 की, फर्स्ट ओनर, 57,000 चली हुई है, देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। और थोड़ा सा इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को ओमनी वैन की, इस प्रकार से इंटीरियर मिल जाएगी, साफ सुथरी कार है दोस्तों ये, बिल्कुल मेंटेन में है देख सकते हो। तो अब आते हैं इस ओमनी वैन की कीमत पे दोस्तों, 2018 की, फर्स्ट ओनर, 57,000 चली हुई है, और कीमत की बात करें तो 2,70,000 इसकी प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है। चलिए फिर नेक्स्ट कार की ओर चलते हैं हम लोग। ऑल्टो K10 काफ़ी डिमांड में रहती है छोटी फैमिली के लिए, ये भी 2012 की है, सेकेंड ओनर है, 75,000 किलोमीटर चली हुई है, देख लो इस प्रकार से कंडीशन है कार की। तो 2012 की है, सेकेंड ओनर, 75,000 चली हुई, और कीमत है इसकी 1,65,000। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।